हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ये फैब्रिक है, इसको हम फोर फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये हमने अपना फोर फोल्ड करके कपड़े को कट कर लिया है। तो जो हमारी लेंथ है बाजू की वो 6.5 इंच है, उसमें से हम 1.5 इंच इसको मोड़ने के लिए लेंगे और 1/2 इंच ऊपर जो हमारा सिलाई में जाएगा। अब इसके जो ये चौड़ाई है वो हमने 13.5 इंच ली है, क्योंकि हमारे जो चेस्ट का माप है वो 22.5 इंच है, तो ये 11.5 के आसपास हमारा माप बैठेगा और उसके 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो पीछे से हम 2.5 इंच पे इसकी छटाई का निशान लगाएंगे। आप 3 पे भी लगा सकते हो। ये मोरी का निशान है, मोरी जो हमारी है वो 8.5 इंच है, उससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा या 2.5 इंच एक्स्ट्रा अपने हिसाब से लें। और ये मैंने 1.5 इंच पे इस तरह से एक मार्क लगा दिया है, इसको हम इस तरह से एरो दे देंगे और इस वाले निशान को हम इस 2.5 इंच वाले निशान से इस तरह मिला देंगे। अब ये हमारी जो गोलाई है वो किस तरह बनेगी, ये हमारा जो 13.5 इंच का माप है इसका माप कर लेंगे और इसको इस तरह से गोलाई लेते हुए एक हल्की सी एस की राउंड शेप में इसको घुमाएंगे इस तरह से और इसको हम कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये कट करने के बाद हम यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लेंगे हमारे सेंटर पे, इसको इस तरह से ओपन करेंगे और जो हमारी आगे की साइड बाजू आएंगी उस पर हम छटाई का निशान लगाएंगे इस तरह से, इसको भी हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सिंपल बाजू की कटिंग है। तो ये किस कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।